सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, तो वीडियो को मिस मत करना भाई, एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज। क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको जो डिसएडवांटेजेस है भाई डॉग बाय करने के और पपी बाय करने के, जो आपको परेशानी दिला सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नहीं तो पपी लेने के बाद जो है पछताना पड़ेगा आपको भाई। तो उससे पहले ही ये वीडियो देख लेना और बाद में डिसाइड करना कि आपको पपी या डॉग लेना है, बाय करना है या फिर नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना भाई पसंद आने के बाद, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं बनाते रहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अचानक चालू हो गई है गाइज और बहुत ही ज्यादा भाई तेजी से जो है हवा भी आ रही है, देख सकते हो पीछे भाई कपड़े उड़ना चालू हो गए। उससे पहले जल्दी से भाई वीडियो शूट कर लेता हूँ। और यहाँ पर है अपनी स्टेपनी, देख सकते हो यहाँ पर बैठी हुई है भाई नीचे स्टेपनी की बच्ची। चलिए बिना किसी देरी के आपको बता देता हूँ भाई क्या पॉइंट्स है। तो नंबर वन का जो पॉइंट है गाइज वो बताता हूँ आपको। नंबर वन पर अगर आपको पपी लेना है, कुछ भी लेना है गाइज, डॉग लेना है किसी भी ब्रीड का हो सकता है, लैब्राडोर हो सकता है, जर्मन शेपर्ड हो सकता है और किसी भी ब्रीड का जो आपको पसंद होगा, तो उसे लेने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको मनी, क्योंकि मनी के अलावा आपको कोई भी डॉग नहीं देगा भाई, मनी तो चाहिए। अब यार हवा बहुत ही ज्यादा आ रही है गाइज, तो अगर मनी नहीं है आपके पास तो आपको देसी डॉग लेना पड़ेगा भाई। तो और देसी डॉग के भी कुछ नुकसान है, सेम ही नुकसान है, अगर देसी लेते हो या फिर विदेशी लेते हो, कोई सा भी डॉग लो, आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था भाई, अगर किसी भी ब्रीड का डॉग लेते हो तो उसके लिए आपको मनी चाहिए। अगर मनी है आपके पास तो आप इजीली परचेस कर सकते हो, डॉग को ले सकते हो, अगर मनी नहीं है तो आप डॉग को नहीं ले सकते हो। ये रहा अपना नंबर वन का पॉइंट। अभी बात करते हैं गाइज नंबर टू के पॉइंट की। नंबर टू का जो पॉइंट है गाइज, जो आप पपी लेते हो या फिर डॉग लेते हो उसका हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइज। अबे यार, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं रख सकते हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है पपी और डॉग लेने की, क्योंकि अगर आप कभी भी कौन सा भी पपी या डॉग लेते हो, देसी हो या विदेशी हो, तो आपको उसको ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई चाहिए हमेशा के लिए। आप कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकते हो, रहना पड़ेगा आपको घर पर ही, या फिर किसी और को इस काम में लगाना पड़ेगा कि उसका आप वो ध्यान रख सके। तो ये अपना सेकंड पॉइंट था। तो अपना जो है नेक्स्ट पॉइंट है ये है गाइज कि आप जब अपना डॉग लेते हो या पपी लेते हो तो उसकी जो आवाज है ना भाई बहुत ही ज्यादा लाउड होती है। बेसिकली जो बड़े वाले डॉग्स होते हैं ना, वो अगर किसी को देख लेते हो, किसी और जानवर को या फिर किसी और आदमी को जो अपने घर के अलावा कोई भी आदमी हो बाहर का, तो उसे देख के ही वो जो है भूकना चालू कर देते हैं। उससे क्या होता है ना, जो आजू बाजू के लोग होते हैं ना उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी स्टेपनी वैसी नहीं है, कभी कभी भूकती है भाई, तो लेकिन फिर भी सामना तो करना पड़ता ही है। तो ये दिक्कत आती है भाई कि आजू बाजू के लोगों को ना बहुत ज्यादा दिक्कत आती है आवाज से। तो ये अपना थर्ड पॉइंट था, ये भी आपको झेलना पड़ेगा अगर आप डॉग बाय करते हो तो। अगला जो अपना पॉइंट है गाइज वो ये है कि आपको ना अपने डॉग को ना ट्रेनिंग देनी पड़ेगी भाई, जैसे कि हैंडशेक देने के लिए बोलना पड़ेगा, नीचे बैठने के लिए बोलना पड़ेगा भाई, अपने साथ में चलने के लिए बोलना पड़ेगा, सीट डाउन, ये जो ट्रेनिंग है हैंडशेक, ये सारी ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। मतलब कुछ कुछ आप दे सकते हो, जैसे कि हैंडशेक, सीट, वेट, ऐसी ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब भी डॉग को या पपी को खाना देते हो ना गाइस, वो भुक्कड़ों की तरह हमला करना चालू कर देता है और फिर आप पर अटैक भी कर सकता है, जो कि बड़ा वाला डॉग होगा तो आप पर अटैक कर सकता है। तो इसके लिए ना उसे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिससे कि वो शांत रहे और आपके इशारों पर चलता रहे। तो ये अपना कितना पॉइंट था भाई, जो भी पॉइंट था। अपना जो अगला पॉइंट है ना गाइस वो ये है कि आपको ना हमेशा अपने डॉग को ना बाहर घूमने के लिए ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना गाइस, अगर आप अपने डॉग को या पपी को बाहर घुमाने नहीं ले जाओगे तो उसको ना एक ही आदत पड़ेगी कि वो घर में ही बैठा रहेगा। तो उसके लिए आपको ना प्रॉपर उसे बाहर घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि उसकी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी आपको। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भाई उसके मसल जो है उसमें भाई प्रॉब्लम आ सकती है, पैरों में दिक्कत आ सकती है और कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए ना उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और घुमाने के लिए ले जाना पड़ेगा और रनिंग, वॉकिंग ये सब करना पड़ेगा भाई आपको। इससे ये जो डॉग है, पपी है, वो अच्छा रहेगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी भाई। अपना ये जो पॉइंट है ना गाइज नेक्स्ट वाला, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो अगर ये पॉइंट आपको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर आप डॉग या पपी लेते हो तो वो वाला पॉइंट है गाइज, आपको ना अगर आपके पपी को या डॉग को कुछ भी हो जाता है भाई, तो आपको उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर होम रेमेडीज करते बैठोगे तो भाई दिक्कत आ सकती है। अगर छोटी मोटी गलती हो जाए, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए अपने डॉग को पपी को, तो आप घर पर रेमेडीज कर सकते हो। अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम या दिक्कत आ जाए भाई डॉग को या पपी को, जैसे कि हाथ पैर टूट जाए या कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो इससे आपकी जो है मनी भी लगेगा, आपको पैसे लगेंगे भाई इसके लिए। तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा अगर आप डॉग
परचेस करते हो तो, या फिर कोई भी देसी डॉग लेते हो तो, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो भाई आपका डॉग जो है मर भी सकता है या फिर कुछ भी दिक्कत आ सकती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसका आपको ध्यान रखना है पपी लेने से पहले। अगला जो अपना पॉइंट है ना गाइस, वो बहुत ही ज्यादा फनी है, आपको भी फनी लग सकता है भाई। वो है ये है कि गाइस आपको ना अपने डॉग की पॉटी साफ करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी अगर आप डॉग पालते हो तो, क्योंकि अगर आप घुमाने बाहर नहीं ले जाओगे तो अपना जो डॉग है ना कभी कभी घर में भी पॉटी कर सकता है, घर के अंदर पॉटी कर सकता है, घर के बाहर भी पॉटी कर सकता है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा भाई कि आपको पॉटी निकालनी पड़ेगी, उसकी साफ करनी पड़ेगी। उसके लिए आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो पॉटी निकालने वाला, लेकिन आपको उसे साफ करना पड़ेगा, नहीं तो भाई घर में गंदगी फैल जाएगी और जो घर के मम्मी पापा है और कोई भी फैमिली वाले है वो परेशान कर सकते हैं पॉटी निकालने के लिए, क्योंकि हमने डॉग को पाला है इसकी वजह से। तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा भाई, मैं भी करता हूँ तो आपको भी रेडी रहना पड़ेगा अगर आप डॉग पालते हो या लेते हो तो। अभी टाइम है गाइस लास्ट पॉइंट की, एकदम लास्ट पॉइंट बताने वाला हूँ। इससे अलावा और भी ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ही शॉर्टकट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। तो ये लास्ट पॉइंट है गाइस। तो लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि भाई आपका जो पपी है या डॉग है, कोई भी कौन सा भी डॉग हो, अगर आप पपी लेते हो तो उसे ना आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, उसे टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। अगर डिवॉर्मिंग नहीं करोगे तो भाई पेट में दिक्कत आ सकती है और कीड़े होने की वजह से ना आपका डॉग जो है खाना बंद कर देगा और फिर कोई भी दिक्कत आ सकती है भाई, पेट के अलावा और भी दिक्कतें आ सकती है। तो आपको टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी। और एक जो मेन पॉइंट है इसके अंदर ही, वो है कि भाई आप अगर पपी लेते हो तो उसको आपको ना अगर एक मंथ का ऊपर हो जाता है तो उसको ना वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी भाई। वैक्सीनेशन के अलावा कोई भी चांस नहीं है आपको, क्योंकि अगर वो किसी को लेता है या फिर बाइट कर लेता है तो मतलब एक ही पॉइंट है ये, तो आपको ना फिर दिक्कत आ सकती है भाई, रेबीज हो सकता है। तो रेबीज का वैक्सीनेशन और फिर 9-in-1, 7-in-1 ऐसे वैक्सीनेशन है ये आपको करने पड़ेंगे भाई। इसके अलावा आपके पास कोई भी चांस नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा अगर आप पपी लेते हो तो। और बड़ा भी डॉग होगा, अगर डायरेक्ट आप बड़ा डॉग ले रहे हो किसी के पास से, तो उसको पूछ कर भी आपको लेना पड़ेगा भाई कि आपने डिवॉर्मिंग करी है। अगर नहीं करी है तो आपको खुद को डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि भाई वो किसी और को काट लेगा भाई बाहर के इंसान को, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, आपके साथ झगड़ा भी हो सकता है उसका, और उस बंदे को कुछ हो जाएगा तो आपके ऊपर ही आएगा सब कुछ कि आपके डॉग ने काटा है। तो आपको डिवॉर्मिंग जरूर करनी पड़ेगी। तो ये थे गाइस कुछ पॉइंट्स, आपको समझ में आया होगा कि क्या बताना चाहता हूं मैं। तो डॉग को बाय करने से पहले गाइस इन बातों का आपको ध्यान रखना है और इसके बाद ही आपको डॉग को लेना है भाई। और इस पॉइंट को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि गाइस कि आपको डॉग बाय करना भी है या फिर नहीं है, क्योंकि किसी किसी की क्या होता है ना गाइस, दिक्कत होती है कि भाई किसी को बाहर जाना पड़ता है, कोई ऑफिस में काम करना पड़ता है, किसी को कोई सुबह में काम को जाता है और शाम को वापस आता है, तो उसे दिक्कत आती है भाई कि वो अपने डॉग को या पपी को ध्यान नहीं रख सकता है। तो उसके लिए ना गाइस ये वीडियो था उन लोगों के लिए खास करके। तो समझ में आ गया होगा कि आपको डॉग बाय करना है या नहीं भाई साहब। बहुत ही ज्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मजा आ रहा है। तो गाइस ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नहीं कमेंट करके जरूर बताना यहाँ पर। और चलिए गाइस मिलते हैं जल्दी एक नोटिस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।